हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह के 10 बजे हुए हैं। देखो लवण्या ना अभी तक नहीं सोई है और ये देखो अभी तक जाग रही है। तो मैं सोचा कि जरा इसको दवाई दे देती हूँ, बॉर्नविटा इसको पिला देते हैं पहले सुबह 8:30 बजे, फिर भी नहीं ये सोई। फिर दवाई दवाई दे दी उसको, अब ब्रेकफास्ट करवा दिया लवण्या को, पहले दवाई दे दिया, एक दवाई दे दिया जो बचपन से इसका दवाई चल रहा है ना वो वाला तो दे दिया। और अभी क्या कहते हैं बाकी दवाई इसका भी देना है, खांसी खुंसी का और बुखार का वो दवाई भी इसको देना है। देखिए इतनी सारी टोकरी इसकी भरी पड़ी है दवाइयों से, तो थोड़ा सा गैप डाल डाल के दे रही हूँ ना, तो भी 10 मिनट और हो जाए, फिर उसके बाद इसको दूसरी बार दवाई दूंगी, फिर उसके बाद इसको लटा दूंगी, फिर शायद सोई। अब इसने टाइम मुझे लगता है ना चेंज कर लिया और अभी तक नहीं सोई है। 10 बज गए हैं, मैं थोड़ी देर सोई थी बीच में, फिर उसके बाद उठ गई थी और ये बच्चू नहीं सोया, ये बच्चू नहीं सोया अभी तक नहीं सोई। देखो ये अब दवाई खा के सोएगी। और बस मेरी भी अभी तबीयत थोड़ी सी खांसी खांसी सी रह गई है, बुखार तो शायद थोड़ा ठीक है मेरे को, और आवाज़ भी थोड़ी ठीक होगी ना पहले से ना, अच्छी होगी ना, है ना लवण्या? मम्मी मेरी आवाज़ ठीक होगी ना पहले ना? पहले मुझे बड़ा दिक्कत सा हो रहा था बोलने में भी ना। तो लवण्या को सारी दवाई दे दिया, बस अब नेबुलाइजर नेबुलाइजर रह गया, तो वो मगर चल दे के अपना ये सोने लग गया, इसको नींद आ रही है शायद, तो फिर ये सो जाएगी। टाइम कितना हो गया अभी, टाइम 10:35 हो गए हैं, तो अब जाके सोएगी। इसने बहुत टाइम चेंज कर लिया ना, पहले तो जैसे 7-8 बजे सो जाती थी ना, अब तो कभी तो 10:35 हो गया अभी। तो ये भी शुरू जो नेबुलाइजर ले रही है, अब इसको ना पता चल गया कि रोज लेती है ना, तो इसको पता चल गया, तो अब लेके आराम से सो जाएगी। तो नेबुलाइजर को घर में रखने का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ना जैसे हम बाहर जाते हैं ना तो 50 रुपये में वो एक टाइम स्टीम देते हैं इससे, है ना, तो मतलब तीन, अगर तीन टाइम हम स्टीम लेंगे तो 150 रुपये लग जाता है। तो जो उसके अंदर मेडिसिन आती है ना डालने वाली, वो 200 रुपये की आती है, उसके अंदर 5 शीशियाँ होती हैं, और दिन में एक बार खोलेंगे ना तो 3 बार हम दे सकते हैं। तो मतलब अभी तो लवण्या को मैं कितने दिनों से दे रही हूँ, फिर बीच में मैंने भी लिया था ना, और क्या कहते हैं मतलब इसका इतना फ़ायदा है। और जब तक ना ठीक होता तब तक हम अच्छे से देते रहें, जब तक डॉक्टर ने बोला है ना, तो जब कल भी उन्होंने बोला था कि इसको नेबुलाइजर दे देना, तो वो इसका बहुत फ़ायदा है। तो घर में मंगवाना ही सबसे मेरे लिए बेस्ट है मेरे को। तो लवण्या आज 12 बजे सोई है बड़ी मुश्किल से, वरना ये अभी इसने टाइम चेंज कर दिया अपना ना सोने का, ये पता नहीं क्यों घड़ी की तरह घूमती रहती है बच्चों। अब तो मन्नू बोला कि मेरे को चाय पीनी है, तो फिर मैंने भी यहाँ पर चाय बनाया। अब मैं और मन्नू चाय पियेंगे, लवण्या तो सो गई है, फिर बाद में लंच बनाऊँगी ना, फिर उसको उठा के फिर लंच करवा दूँगी लवण्या को। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको मेरी तरफ से राम राम जी। तो आज है 7 मार्च, तो अभी बहुत दिनों का ब्लॉग शुरू करें, क्योंकि 3 तारीख को ना मेरा फ़ोन, ये वाला जो फ़ोन है जिससे वीडियो बनाती हूँ ना, ये गिर गया था, तो गिर गया था और फ़ोन टूट गया था पूरी, इसकी मतलब स्क्रीन वगैरह सारी उड़ गई थी। तो फिर जैसे मन्नू के पापा आए ना, तो इन्होंने आके मेरा फ़ोन एक दिन में ठीक करवाया। तो ठीक करवाने के बाद आज हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं, और आज हम क्या कहते हैं घर भी शिफ्ट कर रहे हैं, अब इस वाले घर से हम दूसरे घर चले जाएँगे। तो सारा सामान सब अभी अच्छे से पैक नहीं हुआ है, और लवण्या सुबह का कहते 5:30-6 बजे सोई थी, तो उसके बाद थोड़ी देर सोई थी, फिर उसके बाद उठी हुई, तब से मेरा इतना सिर दुख रहा है, मेरी तबीयत भी अभी तक ठीक नहीं हुई पूरी अच्छे से, और तबीयत भी ठीक नहीं है। और ये देखिए मैडम जी यहाँ पे आराम से सो रही है, इसको कुछ पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और अभी यहाँ पर सामान सामान पैक हो रहा है, और क्या कहते हैं मन्नू पापा ने कुछ थोड़े 2-4 लेबर वाले भैया बुला रखे हैं, वो सामान सामान उठवा रहे हैं और रखवा रहे हैं, मतलब वो भी उठवा रहे हैं, और बाकी अभी हमारा सारा सामान जा रहा है धीरे धीरे ना। और अभी मैंने खाना भी बनाना है, आटा भी गूंदना है, रोटी बनानी है, और क्या कहते हैं बर्तन भी साफ करने हैं, और ये सामान भी समेटना है, और समझ नहीं आ रहा सब कैसे हो जाएगा। तो ये देखिए अभी सामान यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ मन्नू का बस सामान उठा उठा के दे रहे हैं। अभी सामान हमारा ना अच्छे से कुछ भी पैक नहीं हुआ, बस क्या कहते हैं ये जो लेबर वाले भैया थे, हमने इनको बोला कि आधा आज कर देते हैं, आधा कल कर देंगे, ये बोले नहीं सारा ये शिफ्ट कर देंगे, आप टेंशन मत लो बस हो जाएगा। और इनको क्या कहते हैं 3-4 बजे निकलना भी है काम। तो अभी ये क्या कहते हैं पर्दे उतार रहे हैं, और एसी, अभी एसी वाले भैया भी आएंगे, वो भी एसी क्या कहते हैं खोलेंगे आके। तो हम क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, यहाँ से शिफ्ट होके हम वो सामने वाले घर में जा रहे हैं, वो देखिए वो जो ऊपर का घर है ना सबसे ऊपर का, वहाँ पे जा रहे हैं हमने। हाँ सबसे दूर घर लिया, इसलिए हमें इतनी टेंशन नहीं है, सामान बस धीरे धीरे जा रहे हैं, और इधर से दूसरे रूप, हाँ दूसरे रूप दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं बस। और हर बार जब भी घर शिफ्ट करते हैं ना तबीयत पता नहीं क्यों मेरी खराब ही होती है, पिछली बार मेरे को खांसी इतनी ज़्यादा थी, इस बार तो खांसी बुखार पता नहीं सिर दर्द अजीब सा गला मुँह पता नहीं कैसा हो रखा है, अजीब सा गला
बेस्वादा सा हो रखा है ना, मतलब ठीक ही नहीं है ये लड़का, तो टांग अड़ाने में लगा रहता है और कोई काम आता नहीं, पढ़ता पुढ़ता है नहीं, पेपरों में तैयारी कुछ नहीं कर रहा। इसके पेपर भी है, उसी के बीच में हम घर शिफ्ट कर रहे हैं। देखो तो अभी यहाँ पे चाय रखी हुई है बनने के लिए, तो चाय बना रही हूँ। और वहाँ पे दीपक उतार रहा है पंखे वगैरह, बहुत सारा सामान चला गया, बस बहुत सारा भी जाना बाकी है, सामान का पता नहीं चलता ऐसे कैसे जाएगा, धीरे धीरे जा ही रहे। तो लवण्या को यहाँ पे लटा दिया और पूरा घर खाली हो गया, ये बस थोड़ा सा सामान सामान कचरा वचरा, और बस सारी अलमारियाँ वगैरह खाली हो गई हैं। अब ये थोड़ा सा सामान रह गया, बाकी इधर भी सारा खाली हो गया। और अब इट करते 3 बज गए हैं, सारे रूम वगैरह खाली हो चुके हैं, और देखिए कितना कचरा निकला है। और बाकी ये अभी साफ़ सफाई सारी करने वाली हो रखी है, ये रूम सब खाली हो गया, बस मंदिर रह गया, मंदिर लेके जाएंगे, और ये वाला रूम भी खाली हो गया। और देखो कितना गंद है, हे भगवान, ये देखिए। और क्या कहते, बस अब क्या कहते हैं, साफ़ सफाई करनी है। और बस अभी 3 बज गए और मैं बना रही हूँ अभी यहाँ पे रोटी, रोटी बना के बस ये इतना सा सामान रह गया, सिलेंडर और ये हमारा गैस चूल्हा, बस ये लेके जाना है। आटा वाटा गूंद लिया था मैंने, और बस अब रोटी बनाऊँगी, रोटी बना के खा के लवण्या को दवाई भी देनी है, फिर उसके बाद निकलेंगे। तो मम्मा यहाँ पर खाना बना रहे हैं, अरे एक तो अटक चलो हो गया। और डैडा यहाँ पर, डैडा और चाचू यहाँ पर खाना खा रहे हैं, और दीपक भाई अभी आएंगे हाथ धो के, फिर वो भी खाएंगे। तो अभी ये दूसरे घर में आ गए हैं जहाँ पे हमें शिफ्ट हुए हैं अभी, और देखो कितना सामान फैला पड़ा है, भगवान कैसे सेट करूँगी मैं। और अभी ये हॉल में फैला पड़ा है, और ये रूम में ऐसे ही पड़ा है, ये सेट करना है। और अभी लवण्या को मैंने सिर्फ जस्ट ये मंजा बिछा के इस मंजे के ऊपर इसको लटाया लवण्या को, और ये देखो ये शोर मचा रही है, इसको कोई मतलब नहीं, बस इसको अब दूध चाहिए। और अभी क्या कहते हैं वो गैस लगाना है, गैस लगाने के बाद हाँ हाँ ले आ रही है, लगा रही हैं, रुक जा। और मन्नू का पापा जाना था, उनका काम आ गया था, तो वो निकल गए थे। मन्नू भी उसी रूम में है, उसी वाले घर में, और मैं इधर आ गई हूँ। और अभी ये देखो यहाँ पर भी सामान पड़ा ऐसे ही। और लवण्या के लिए पहले दूध गर्म करना है, दूध गर्म करके ये देखो किचन में भी सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। और 5 बज गए, और मेरा सिर इतना दुख रहा है, इतना दुख रहा है, मेरे को लग रहा है ना मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई अच्छे से। और ये अभी सेट करना है, दूध कहाँ है, फ्रिज, अरे ये फ्रिज की चाबी, अच्छा तो दूध गर्म कर देती हूँ लवण्या के लिए, शायद वो दूध पी के ना फिर सो जाएगी। खाना तो खिला दिया था मैंने, दवाई दवाई भी दे दी थी, बट ये दूध के लिए शोर मचा रही है। अभी पूरे घर की सफाई होएगी अच्छे से, उसके बाद जाके, और कल शिवरात्रि भी है, और अभी मंदिर भी लेके आना, तो मैंने सिर्फ जस्ट भगवान जी को यहाँ पे लेके रखा था, और उसके बाद अभी पूरा मंदिर सारा लेके आना है। तो अभी हमने एक रूम को सेट किया है, मतलब सोने के लायक बनाया है, तो ये 2 मंजे लगा लिए। तो यहाँ पे भी लवण्या को लेटी हुई है लवण्या, और ये रजाई जो रखा भी मैंने हटाया, इसका रजाई शोर मचा रही थी ना, तो मन्नू और मन्नू का पर गए हैं, कुछ खाने का मन कर रहा था तो वो लेने के लिए गए हैं, बाकी तो सारा सामान ऐसे ही पड़ा अभी, अभी धीरे धीरे होगा। बाकी मैंने रोटी बना लिया, और रोटी बना के मैंने वो रख दिया, क्या कहते अभी आएंगे फिर हम खाना खाएंगे। मन्नू कह रहा मुझे ना सब्जी नहीं खानी, ये कुछ लेने गए हैं, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं, बाकी देखो। और बाकी ये सारा सामान अभी ऐसे ही पड़ा है। तो ये दूसरा दिन है, तो यहाँ पर दीपक लगा रहा है पंखा, और अभी साफ़ सफाई हो ही रही है धीरे धीरे। और यहाँ पे बाकी पंखे तो थे, इनको साफ़ करना पड़ेगा, बस एक किचन में नहीं था तो किचन में लगा रहे हैं बस। तो अभी आ गया हूँ मैं छत पे, और ये देखिए इसके अंदर क्या है, ये टैंकी के अंदर ये टैंकी क्लीन करने लगा है, तो टैंकी में हाँ। और क्या कहते हैं पता क्या हुआ, गलती से हमने रात में ना इसको क्या कहते खोलना भूल गए, ये ऐसे था, नहीं, ऐसे नहीं था, सीधा मतलब ऐसे था, ऐसे था तो बंद था ये, हाँ ये हमने ऐसे ऐसे करना था, तो इससे ताजा पानी हमारी टैंकी पूरी भर जानी थी, टैंकी पूरी खाली थी। और क्या कहते अब इन्होंने सोचा कि चलो टैंकी को क्या कहते साफ कर देते हैं, और फिर पानी चढ़ जाएगा, शाम को पानी आएगा ना ताजा। और ये क्या कहते टैंकी भी नई लगाई है, ये भी शुक्र है कि टैंकी हमारे लिए नई लग गया, अब इसके अंदर पानी जो आएगा अच्छा ही आएगा। वो टैंकी पूरी पड़ी है, वो गंदी, वो खराब हो गई थी टैंकी पूरी, तो ये दोनों टैंकी साफ करने लगे हैं। टैंक क्लीनर, टैंक क्लीनर आ गए, टैंक क्लीनर दो दो। और ये मंजा तोड़ दिया था मन्नू ने लवण्या का, इसके नीचे मंजा है, उसके ऊपर ये गद्दा रख दिया था, गद्दा पड़ा था ना नीचे, तो ये गद्दा हमने ऐसे रख दिया था इसके ऊपर ला के। तो
ये मन्नो लगा हुआ है इसके अंदर, टैंकी के अंदर पानी सुखाने में। थोड़ा सा पानी जाएगा, बस उसको अच्छे से निचोड़ निचोड़ के बाल्टी में डाल देगा। फिर उसके बाद कि हमारी टैंकी क्लीन हो जाएगी, और फिर उसके बाद शाम को जब पानी आएगा ना तो फिर टैंकी भर जाएगी। और पानी का प्रेशर तो यहाँ बहुत अच्छा है, टैंकी खुद ही भर जाती है, मोटर मोटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने ना 3-4 दिन से ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आज है 12 तारीख, तो ये 12 तारीख का ब्लॉग बना रही हूँ। और लवण्या की तबीयत ना अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसको फिर से ना क्या कहते हैं बुखार उल्टियाँ, मतलब ठीक होती खांसी तो अभी तक ऐसी ठीक ही नहीं हुई है, और मेरी भी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है। और इतने में इसको भी बुखार चढ़ गया, इसको भी बुखार खांसी, इस बच्चे की भी तबीयत ख़राब, पता नहीं क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा कि ना ठीक ही नहीं हो रही। जब सोचती हूँ कि लवण्या थोड़ी सी ठीक है, तो अब हम उसको थेरेपी सेंटर भी लेके जाएंगे, और ऊपर से ये सारा घर क्या कहते हैं सारे मतलब सेटिंग सुटिंग तो हो गया है, बस अब कपड़े धोने वाले रहेगा। और ये लवण्या ने उल्टी कर दी, सारे कपड़े इसके मंजे पे जितना सारा धोने वाला होगा, पिल्लो भी और ये कपड़े सब धोने वाले हैं, और वहाँ पे वो जो कपड़े पड़े हैं वो सब धोने वाले हैं, इतने सारे कपड़े धोने वाले हो रखे। और मशीन लगानी अभी, रस्सी रुस्सी बांधना है, और तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी मतलब इस बीच में ही ना सारा काम कुम किया, पूरा घर सेट किया, और अभी भी बस थोड़ा बहुत ये कपड़े धोने रह गया, और थोड़ा बहुत सामान सेट करना रह गया, बाकी तो तकरीबन हो गया है। और बस तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए इतने दिन लग रहे हैं। और अभी लवण्या की तबीयत ठीक नहीं रही है, शुक्र है कि अभी नेबुलाइजर ले रही है, सारा उल्टी करके ना फिर सारे कपड़े भर दिए थे लवण्या ने पूरे के पूरे। और बस अभी क्या कहते हैं मनु के ऊपर निकलेंगे, और ब्लॉग बहुत दिनों से बनाया नहीं था, तो मैं कहता हूँ इस ब्लॉग को ना मतलब साथ में जोड़ के फिर एंड कर देती हूँ, फिर अब ना कंटिन्यू ना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, और कंटिन्यू कह देती हूँ पर हो नहीं पाता, है ना भाई मनु, है ना भाई लब्बू, ठीक है। इसकी तबीयत देखो बच्चे की, इतना मतलब नाजुक और इतना बच्चा सुस्त हो गया ना ये हमारा, इतने दिन अगर बीमार रहे कोई और दवाइयाँ दवाइयाँ चलती रहे तो बताओ मतलब क्या होगा। ये देखो टोकरी भरी पड़ी है दवाइयों से, ये कितना बुरा हाल है, तो इस चक्कर में कितनी हालत ख़राब हो जाती है ना। और घर भी शिफ्ट किया, फिर उसमें मेरी भी तबीयत इतनी ख़राब, अभी तक मैं भी ठीक नहीं हुई हूँ, खांसी तो बहुत हटी नहीं है अभी तक, बुखार तो ठीक है बस खांसी नहीं हटी। और इतने में ये लड़का भी बीमार, और अभी मन्नू के पापा नहा के तैयार हो गए हैं, इनको निकलना है। तो मन्नू के पापा यहाँ पे प्रिंट पकड़ रहे हैं, वो ये येलो वाली होते हैं ना जो काट लेते हैं खतरनाक, इस घर में बस थोड़े से प्रिंट ज़्यादा है, अदरवाइज घर बहुत अच्छा है। ये देखिए इस वाले रूम की ना हमने ऐसे सेटिंग कर दिया, अभी ये रजाइयाँ रजाइयाँ उठानी है, ये ऐसे सेट कर दिया एक रूम, बाकी ये देखो हॉल में कितना सामान फैला पड़ा था वो उठा दिया, ये तो अभी टेबल सुबह पर रखा सामान इसके ऊपर, वरना ये भी टेबल का कहते मतलब अच्छे से खाली था, अच्छे से खाली था, मतलब पूरा रूम सेट हो गया था ये भी। अभी ये वाला रूम जो है ना इसको सेट करना है, क्योंकि ना ये जो अलमारी है ना ये कपबोर्ड, तो ये ना सारा क्या कहते दीमक से भरा हुआ है, तो ये अलमारी सारी हटेगी यहाँ से। वो बोल रहे थे कि मैं ठीक करवा दूँगा, या तो नई ले आके लगा देंगे, या पता नहीं क्या करेंगे, जो भी करेंगे। और ये बेड हमने इसलिए नहीं बिछाया क्योंकि पहले ये हो जाए ना उसके बाद करेंगे। ये रूम खाली है अभी, और बाकी ये किचन की भी सेटिंग हो गई है, इस तरह से हमने किचन को सेट कर दिया। और ये रूम तो लवण्या बच्चू लेटी हुई है वहाँ पे, और देखो ये सारे कपड़े उल्टी वाले ये सब धोने हैं, पिल्लो पुल्लो भी, ये बेडशीट सारा, और ये सारे कपड़े धोने वाले हैं, इतने सारे कपड़े हैं, ढेर लगा पड़ा है। अभी एक थैला भी भरा हुआ है, सारे पर्दे पुर्दे धोने हैं। बाकी ये रूम सेट हो गया, तीनों रूम में बाथरूम तीनों रूम में ही है, हाँ मतलब तीनों रूम में बाथरूम है। और मन्नू के पापा अब निकलने लगे थे, तो मैं सोच रही इस ब्लॉग को एंड करके एडिटिंग करके डाल देती हूँ। कहाँ चले गए बेटा? ये शुरू नहीं किया मैं ब्लॉग, अरे आपको ढूंढ रही हूँ मैं आपको इधर ढूंढ रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, ये इधर से आ गए। हाँ जी राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है, ये बनाते नहीं है ब्लॉग, क्या करें क्या करें, मेरा फोन खराब हो गया था, दोबारा कल फिर ठीक करवा के लाए हैं फोन को, इसमें अच्छे से वीडियो नहीं बन पा रहा था, ये फोन खुद ही भागता जा रहा था, क्योंकि सस्ता ठीक करवाया था ना इसलिए ऐसा हो रहा था। ये देखिए कैसे लंदन भरी सारे बीमार पड़े लंदन भरी, ये बच्चा भी अब नेबुलाइजर लेने लगा मन्नू भी। और बस ये लवण्या के कपड़े हमने बस यहाँ पे ये डब्बों में रखे हैं, बाकी क्या कहते हैं सबके अलमारियों में घुस गए कपड़े, और अभी बस थोड़े से कपड़े सेट हो जाएंगे, फिर उसके बाद सारा घर अच्छे से सेट हो जाएगा। ओके बाय बाय। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करके ना एडिटिंग वगैरह करके वीडियो अपलोड कर दूंगी, ये वाला सारा कंटिन्यू उधर से जो घर घर शिफ्ट किया वो ये सब मिला मिलू के इसको निकाल दूंगी,
और तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कर दो बेटा बाय बाय। अरे चलाया नहीं बटन, नहीं होने की था बटन तो तू होने की था, दवाई पाई नहीं आज पाई दवाई। ये लड़का देखो बटन नहीं होने का, बेटा दवाई डाल ही नहीं बैठ गया। इस दवाई की शीशी में से ना एक बार में तीन बार मतलब तीन लोग नेबुलाइजर ले सकते हैं इसमें एक बार में। ये दो दो डाल, दो होती हैं अलग अलग, दोनों को थोड़ा थोड़ा डाल के तीन बार होता है। अगर हम बाहर से लेने जाए ना तो एक एक ही टाइम में 50 रुपये के देते हैं बाहर ये नेबुलाइजर, और 150 रुपये बनता है इसका अगर एक बार में इस्तेमाल करें। और हमें मिलता है ये 5 शीशियाँ मिलती हैं 200 की, है ना, दोनों मिला के मतलब 200 की आई थी, 100-100 की 5, है ना, 10 शीशियाँ ये।